क्या बात है, काफी खुश नजर आ रहे हैं आप। जाहिर सी बात है। देखो, जब कुदरत आपका साथ देती है ना, खुश होना तो बनता है। क्या मतलब? मतलब ये, माय डियर सिस्टर, जो बात मैं मुनज़्ज़र से करना चाहता था ना, वो उसको खुद ब खुद समझ आ गई। क्या बात पता चल गई? खुल के बताए ना, ये बिला वजह पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? अरे भाई देखो, मैं गया ऊपर बालकनी में हानिया को देखने। हानिया सामने लॉन में बैठी, बहुत खूबसूरत लग रही। अचानक से मैंने देखा कि मुनज़्ज़ा आई और मुनज़्ज़ा मुझे देख रही है, और वो देख रही है कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। भाई, तो मुझे लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं से एक आइडिया हो गया कि मेरा इंटरेस्ट तो हानिया में है। अगर वो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल होने की कोशिश करेगी ना, तो ये उसकी गलती है, मेरी नहीं। तुम बाज नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से? क्या हो गया अम्मी? मैं तो बालकनी में सिर्फ उसको देखने के लिए गया था। तुम्हारे लिए तुम्हारी होने वाली बीवी की बहन को देखना कोई मामूली बात है? नहीं, बिल्कुल मामूली बात नहीं। लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि आप जबरदस्ती मेरी शादी मुनज़्ज़र से करवा रही हैं। मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे हानिया पसंद है। मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी इस बेगैरती में तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी। और हानिया, उससे तो मैं तुम्हारा रिश्ता कभी भी नहीं करूंगी। तुम भले मुनज़्ज़ा से शादी करो या ना करो। भाई, ये आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे। तुम ना ये अपनी 50 रुपए की जो नसीहतें हैं, ये अपने पास क्यों नहीं रख लेती? हानिया, तुम मुझसे कल मिल सकते हो? हाँ, लेकिन तुम तो अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कब और कहाँ मिलने में तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगी। अम्मी, मुझे ना भाई के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जब तक वो राजी ना हो जाए, आप शबाना आंटी से कोई बात मत कीजिएगा। मुझे भी परेशान कर दिया इस लड़के ने। पढ़ाई खत्म हो गई है, अपना बिजनेस संभाल लिया है। मैं तो एक दो दिन में शबाना से उसकी शादी की डेट ले लेती, और उसने नया मसला खड़ा कर दिया। इसीलिए तो समझा रही हूँ आपको, थोड़ा सब्र करें। गुड मॉर्निंग लेडीज। सॉरी, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। ओके। अरे वाह जबरदस्त भाई, बड़ी जल्दी में जा रहे हैं, खैरियत? हाँ, वो एक मीटिंग है मुझे, इसलिए पहुंचना है वहां पर। किसी लड़की से तो नहीं मिलने जा रहे? क्या मतलब, कौन सी लड़की से मिलूंगा? तुम अजीब बातें करती हो, क्या बोल रही हो ये? मजाक कर रही हूँ, आपको इतना बुरा क्यों लग गया? अलीना, ज्यादा नहीं बोलने लगी तुम आजकल? ऑफिस मैंने ऐसा क्या कह दिया कि भाई को इतना बुरा लग गया? बेटा, मुझे भी ये बात समझ नहीं आई। उससे खुद बात करनी पड़ेगी मुझे, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। कहीं जा रही हो? हाँ, कुछ देर में वापस आती हूँ। कहाँ जा रही हो? आके बताती हूँ। और तुम ये आजकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही हो? नहीं, वो बस दिल नहीं चाह रहा। बुरी बात है मुनज़्ज़ा, अपनी पढ़ाई क्यों खराब कर रही हो? और जो तुम लोग मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो जबरदस्ती, उसका क्या? कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब कर रहा, खामखा वहम मत पालो। अच्छा, तुम जाओ ना, छोड़ो इस बात को, और आके बताना कहाँ गई थी। अम्मी, मैं मुनज़्ज़ा से शादी करने के लिए तैयार हूं।
क्या क्या कहा तुमने? दोबारा कहना जरा। मुझसे कोई सवाल जवाब मत कीजिएगा प्लीज। अम्मी ये क्या क्या कर गए भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप ना देर मत कीजिएगा, आप शबाना आंटी के घर जाके फौरन कोई तारीख ले लीजिएगा। इतनी भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है बेटा, देखते हैं कि ये कितने दिन तक अपनी बात पर कायम रहता है, कहीं साहबजादे का मूड ही ना चेंज हो जाए। अब नहीं बदलेगा, अब नहीं बदलेगा। अच्छा ठीक। देखिए दिल माने ना, पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।